रावत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, बिपिन रावत जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बिपिन रावत जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बिपिन रावत जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बिपिन रावत जी का नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा, बिपिन रावत का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। आज पूरा देश बड़ा दुखी है, गमगीन है और सभी लोगों की आंखों में आंसू हैं। पूरा देश आज खून के आंसू रो रहा है, उदास है। और हमारे जाबाज चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी, उनकी धर्म पत्नी जी का एक चॉपर में तमिलनाडु में हादसे में हमारे जाबाज सीडीएस बिपिन रावत जी और उनकी धर्मपत्नी और 14 और लोगों का देहांत हो गया। हमारी ये मांग है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक हफ्ते के लिए जम्मू कश्मीर में और भारत में शोक घोषित किया जाए। एक सप्ताह के लिए शोक घोषित किया जाए सीडीएस बिपिन रावत जी के इस देहांत के ऊपर। नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर की जाए। और इसके साथ साथ हमारा ये मांग मानना है कि जम्मू कश्मीर को जितने भी फ्लाईओवर्स हैं ये बिपिन रावत जी के नाम के ऊपर नामकरण किया जाए। और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि बिपिन रावत जी ने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत से अच्छे कार्य किए हैं, हमारी सरहदों की रक्षा की है। और वो चाहते थे कि पीओके को आजाद करवा के जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाया जाए। इसलिए हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करते हैं कि पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवा के जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाया जाए, हमारी रियासत का दर्जा वापस दिया जाए। बिपिन रावत जी के इस हादसे के ऊपर आज नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर की जाए और साथ में एक सप्ताह का शोक घोषित पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में किया जाए। और जम्मू कश्मीर के तमाम फ्लाईओवर्स का नाम जो है वो बिपिन रावत जी के नाम के ऊपर रखा जाए। बिपिन रावत जी अमर रहे, अमर रहे। बिपिन रावत जी अमर रहे, अमर रहे। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय सेना जिंदाबाद।